हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये टॉपिक्स है ईटैब या स्टैट प्रो। पीछे भी हमने इस पे वीडियोस बनाए तो काफी लोग कंफ्यूज थे, सर ईटैब सीखूं या स्टैट प्रो सीखूं, इस तरीके से कंफ्यूजन में थे। और उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा कि आप ईटैब या स्टैट प्रो सीखना क्यों चाहते हो, तो उन सब ने बोला कि सर मुझे ईटैब और स्टैट प्रो इसलिए सीखना है कि मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो मैं आपको आज एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ईटैब और स्टैट प्रो सीख के कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बन सकता है। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, उस इंस्टीट्यूट में आपको आप बोलोगे मुझे ईटैब चाहिए, वो आपको ईटैब सिखा देंगे। ईटैब में क्या सिखाएंगे आपको? टूल्स सिखा देंगे कि किस तरीके से बीम लगाते हैं, किस तरीके से कॉलम लगाते हैं। आपको लगता है कि टूल्स सीख के आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आप जब टूल सीखोगे तो उसे क्या आपको पता चल रहा है? आपको तो पता ही नहीं कि बीम का डेप्थ कितना रखना चाहिए, ये थोड़ी बताया जाएगा आपको ईटैब सॉफ्टवेयर में। आपको पता नहीं कि कॉलम का साइज क्या रखना चाहिए, आपको पता नहीं है उसमें बिंड का जो एनालिसिस होता है क्यों होता है और बिंड का एनालिसिस करते कैसे है। आपको पता नहीं कि सेस्मिक का मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सेस्मिक का फोर्स किस तरीके से काम करता है। आपको पता नहीं होगा कि शियर वॉल की डिजाइन कब और कैसे और क्यों करते हैं। आप सिर्फ फ्रेम लगाना सीख पाओगे, उस पर दो चार लोड लगाना सीख पाओगे, बट वो लोड कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे कि आज मेरे पास एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम थी कि जिम का लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारी एक बिल्डिंग है उसमें जिम का लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके के क्रिटिकल केसेस को कैसे सॉल्व करोगे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक इंटरव्यू में। आप शियर फोर्स क्यों फाइंड करोगे? अच्छा ठीक है भाई, शियर फोर्स इसलिए फाइंड करेंगे कि शियर फेल्योर ना हो। आप बीएमडी क्यों फाइंड करोगे, मतलब बेंडिंग मोमेंट क्यों फाइंड करोगे? डिफ्लेक्शन क्यों निकालोगे, डिफ्लेक्शन होता क्या है और शियर फोर्स होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख के स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बन सकते हो, आपको सॉफ्टवेयर के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, आईएस कोड कौन सा और क्यों यूज करते हैं ये सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर मुझे इसी तरीके का कॉन्सेप्ट सीखना है कि मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाऊं। हाँ जी, अगर आप भी स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हो, ना कि सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो, ईटैब या स्टैट प्रो। सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, सॉफ्टवेयर एक कैलकुलेटर है, ऑफ कोर्स वो सीखना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा उसमें, इन सारे पैकेज के साथ मैं आपके साथ एक बार आया हूं। काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर मैं सीखना चाहता हूं, तो मैंने सोचा ठीक है, अभी मैं दिल्ली आ रहा था तो दिल्ली में जो भी लोग हैं, जो भी वहां के आसपास के लोग हैं, आप सब, मैं 10 दिसंबर को दिल्ली में आ रहा हूं, तो 10 दिसंबर को आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे हम एक छोटा सा वर्कशॉप रखेंगे, वर्कशॉप में आपको पूरा डीप में समझाया जाएगा कि क्यों स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं और कैसे करते हैं, कॉलम का साइज कैसे डिसाइड करते हैं, बीम का साइज कैसे डिसाइड करते हैं, लोड को रिलीज कैसे करते हैं, शियर फोर्स क्यों निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट क्यों निकालते हैं, शियर वॉल की डिजाइन क्यों करते हैं, सारे फंडामेंटल बहुत ही डीप में समझने वाले हो। इसकी मैं आपको गारंटी दिला देता हूं कि आप उस वर्कशॉप के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डिंग एनालिसिस कर सकते हो, बिल्डिंग की डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लगेगा सारा कुछ मैंने सिलेबस में ऐड कर दिया है। उसमें ईटैब तो है ही, बट ईटैब के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसके अंतर्गत आप समझ पाओगे कि इस एनालिसिस में सेस्मिक क्यों कर रहे हैं, इसमें हम विंड का प्रेशर क्यों लगा रहे हैं, इसमें हम ये सारे लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब स्लैब का लोड ऐसे अंधा मत मार दो 5 kN, स्लैब का लोड निकालने का प्रोसेस है, फ्लोर फिनिश निकालने का प्रोसेस है, वॉल का लोड निकालने का प्रोसेस है, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वर्कशॉप में। सो आप अगर दिल्ली से हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा, अपना मोबाइल नंबर ऐड करिएगा, जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर सके। काफी लोग सोच रहे होंगे सर ये दिल्ली में ही क्यों, क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूं इसलिए यहां पे मेरे लिए इजी होगा। आप किसी भी प्लेस से हैं, आप नीचे कमेंट करिएगा अपना नाम और अपना प्लेस कहां से हैं आप, और साथ ही साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर, तो अगर मैं उस लोकेशन में आऊंगा तो डेफिनेटली आपको मैं कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा। ये वर्कशॉप आपको 3 days का है और 3 days में आप प्रॉपर पूरी तरीके से सीख सकते हो अच्छे से ईटैब प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट है एक बिल्डिंग को एनालाइज करने में। उसमें हम लोग लाइव लोड के बारे में समझेंगे, मींस IS 875 की जो पार्ट है, 5 पार्ट है, उसको हम समझेंगे, क्यों है 5 पार्ट, क्या है पांचों पार्ट में, 875 को समझेंगे अच्छे तरीके से, उसके साथ ही साथ 800 को IS 800 7 स्टील स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके साथ ही साथ IS 456
मतलब 456-2000 आप अच्छे से समझ पाओगे क्यों यूज करते हैं। डक्टाइल डिटेलिंग क्यों यूज करते हैं, मीन्स IS 13920-1993 को क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही साथ आपको इसमें स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, मीन्स PPTs मिलेंगी अच्छी अच्छी, उनको पढ़ने के बाद मैनुअल डिजाइन आप अच्छे से कर सकते हो, साथ ही साथ आप पूरा ETFs अच्छे से सीख सकते हो। तो आप सब अगर दिल्ली के इधर उधर है तो आप थोड़े दिन के लिए मैनेज कर सकते हैं, अगर आपका दिल्ली में कोई रिलेटिव है तो आप आ सकते हैं और इस वर्कशॉप में हम सब मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से ETF सीखने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ सामने कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिएगा और साथ ही साथ पहले आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि अब आपको टेंशन नहीं स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने में। तो क्या स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना, मीन्स नाम तो बड़ा अच्छा है स्ट्रक्चर इंजीनियर, आप सोचते भी हो कि मुझे बनना है, बट इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा पीछे कॉन्सेप्ट है, मेहनत करना पड़ेगा, उसी के गाइडलाइन के लिए मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे क्वेरीज डाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रॉपर एक सेक्शन बनाता हूं जिसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम लोग साथ ही साथ अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपके जॉब में भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सी ओपनिंग्स रहती हैं, बट डिजर्विंग कैंडिडेट चाहिए। जैसे अगर डिजर्विंग कैंडिडेट तो हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं, कंपनी से बात कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा डिजर्विंग है, तो उनको भी लगेगा कि मैं उनको जो कैंडिडेट देता हूँ बहुत ही अच्छा देता हूँ, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। तो दोस्तों आप सब आज ही कॉन्टेक्ट कर लीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे कि आप सबको क्लियर हो जाए कि चलो अभी प्रॉब्लम सॉल्व, अब आप बिल्डिंग के एनालिसिस कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपके साथ झारखंड में भी बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।